गुना जिले के पुलिस को मिली मुखबिर की सूचना के आधार पर बिना गंज के थोड़ी रोड ओवर ब्रिज के पास एक युवक देसी कट्टा लेकर घूम रहा है, जिस पर बिना गंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची पुलिस को देख युवक ने भागने की कोशिश की। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को धर दबोचा। तलाशी लेने पर युवक के पास एक 12 बोर देसी कट्टा जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर गैर लाइसेंसी हथियार रखने के अपराध में केस दर्ज कर लिया है। चाचौड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल कुमार लोढ़ा सर के निर्देशन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री टी एस बघेल सर एवं SDOP महोदय चाचौड़ा श्री VP समाधि सर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चाचौड़ा श्री राम शर्मा सर के नेतृत्व में अवैध अस्त्र रखने वाले लोगों की धरपकड़ के अभियान चल रहा है। उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति टोली रोड पर ओवरब्रिज के पास 12 बोर का देसी कट्टा लिए घूम रहा है, कट्टा लहरा रहा है, जरूर कोई संगीन वारदात घटित कर सकता है, जल्दी जाकर आप उसे पकड़ लेते हैं। तो सूचना की तस्दीक पर हमारा स्टाफ के रवाना हुआ तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने की कोशिश किया, जिसको घेराबंदी कर पकड़ा। इसके हाथ में एक 12 बोर का देसी कट्टा था, जिससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जगदीश मीना, पिता श्री मेहताब सिंह मीना, उम्र 32 साल, निवासी ग्राम लाखौरी का होना बताया। उससे देसी कट्टा के संबंध में लाइसेंस के बारे में पूछा तो उसके पास कोई कागजात नहीं थे, उसने मना किया। कट्टा हाथ में लेकर खोल कर देखा तो उसमें एक कारतूस भी था, तो जब्त किया। मौके पर आरोपी गिरफ्तार किया और धारा 25 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। समाज